लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच बीजेपी के प्रतिनिधित्व वाले एनडीए और विपक्षी गठबंधन में आरोपों प्रत्यारोपों का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में यूपी के इटावा में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बड़ा दावा करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एक बार कांग्रेस से कहा गया था कि भारत चीन सीमा पर सड़कें और हेलीपैड बनाए ताकि हमारे सैनिक सीमा तक आ जा सके। कांग्रेस ने जवाब दिया कि अगर हम सड़कें बनाएंगे और भारत चीन सीमा पर हेलीपैड बनाएंगे तो क्या होगा अगर चीन भारत में प्रवेश करेगा और हमारे हेलीपैड पर अपना हेलीकॉप्टर उतार देगा। चीन अपनी तरफ से सब बना रहा है तो हम भी अपनी तरफ वही करेंगे। आज वो सब कुछ हो भी रहा है। आइए सुनते हैं रक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा। कांग्रेस की हालत सुनिए, इन लोगों की हालत सुनिए। भारत और चीन की सीमा पर एक बार इन लोगों ने कहा, ये पूछा गया कि भाई यहां पर सड़क बनाइए, हमारे सेना के जवानों को सीमा पर जाना होता है, कैसे जाए? हेलीपैड बनाइए, कैसे हमारे जवान वहां पहुंचेंगे? जानते हैं कांग्रेस के लोगों ने क्या कहा? इन लोगों ने कहा, अरे बाबा, भारत और चीन की सीमा पर सड़क बनाएंगे, हेलीपैड बनाएंगे, क्या करना चाहते हैं आप लोग? आप लोगों के पास समझ है कि नहीं है? ये हम लोग कहते हैं, मान लीजिए हमने सड़क बना दिया, हेलीपैड बना दिया, चाइना उधर से यदि हमारे देश में घुस आया, हमारे हेलीपैड पर उतर आया तो क्या होगा? इतने डरे हुए थे। और चाइना, चीन अपनी तरफ सड़कें बना रहा था, हेलीपैड, एयरपोर्ट, सब कुछ बना रहा, लाखों की संख्या में अपने घर बना लिए। लेकिन बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, 56 इंच की चौड़े सीने वाले हमारे प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया, यदि सीमा पर चीन बुनियादी ढांचों का विकास कर रहा है, यदि घर बना रहा है, यदि पैड बना रहा है, एयरपोर्ट बना रहा है, भारत भी अपनी सीमा में यह सारा काम करेगा, यह फैसला लिया और आज यह सारा काम हो रहा है। यह है भारत की ताकत। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी हुई सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।